वेलकम फ्रेंड्स, आचार्यम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इंदौर से ये नॉन टीचिंग वैकेंसी का विज्ञापन है। इसमें आप देख रहे हैं सीनियर इंजीनियर, स्टाफ नर्स, जूनियर सुपरिंटेंडेंट, जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट और जूनियर लैब असिस्टेंट की पोस्ट। इसमें क्रमशः यदि देखें तो सीनियर इंजीनियर की 1, स्टाफ नर्स की 3, जूनियर सुपरिंटेंडेंट की 2, जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट की 2, जूनियर असिस्टेंट की 1 और जूनियर लैब असिस्टेंट की 1 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है, जिसमें सीरियल नंबर 5 और 6 का जो पे लेवल है 4 है, और इसमें 3rd और 4th का पे लेवल 6 और 1st और 2nd का पे लेवल 7 दिया हुआ है। अब आइए देखते हैं और डिटेल्स। दोस्तों, ये जो वैकेंसी पब्लिश हुई है ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर की है, IIT इंदौर की, और यहाँ पे ये जो वैकेंसी है नॉन टीचिंग कैडर के अंतर्गत रखी गई है। इसमें जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो नवंबर 26, 2023 5:30 PM शाम तक है, और इसमें जो ये लिंक दी हुई है इस लिंक के माध्यम से आपको ये फॉर्म सबमिट करना होगा ऑनलाइन। सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 1 पोस्ट जो अनरिजर्व में रखी गई है, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रखा गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का अनुभव। डिजायरेबल जो दिया हुआ है प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ हैंडलिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इन रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ कोऑर्डिनेशन विथ मल्टी डिसिप्लिनरी प्लानिंग कंसल्टेंट्स, आर्किटेक्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन एजेंसीज, और आपके पास नॉलेज होना चाहिए 33 kV 11 kV जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका। आगे बढ़ते हैं, इसमें अपर एज लिमिट 40 साल दी हुई है, पे स्केल देख चुके हैं ऊपर। स्टाफ नर्स की 3 पोस्ट जिसमें से 2 पोस्ट अनरिजर्व 1 पोस्ट OBC के लिए रखी गई है। BSc नर्सिंग होना चाहिए और 2 साल का अनुभव इसमें चाहा गया है। अपर एज लिमिट रखी गई है 40 साल। फिर है दोस्तों जूनियर सुपरिंटेंडेंट 2 पोस्ट, 1 SC के लिए, 1 EWS के लिए। यहाँ पे बैचलर डिग्री किसी में भी हो और आपके पास हो 5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। अपर एज लिमिट इसमें भी 40 साल रखी गई है। फिर है जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट 2 पोस्ट, 1 ST के लिए और 1 अनरिजर्व में रखी गई है। इसके लिए BE, BTEC, MSc, MCA होना चाहिए और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पे ये चाहा गया है। और आगे देखते हैं इसमें, तो दोस्तों इसमें भी अपर एज लिमिट 40 ईयर्स रखी गई है। जूनियर असिस्टेंट की 1 पोस्ट OBC के लिए, इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और साथ में 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। और जो इसमें डिजायरेबल दिया गया है तो HR मैटर्स, मटेरियल मैनेजमेंट, अकाउंट्स एंड ऑडिट, स्टूडेंट अफेयर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इससे संबंधित होना चाहिए। 35 साल अपर एज लिमिट इसमें रखी गई है। फिर है जूनियर लैब असिस्टेंट, तो दोस्तों इसमें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, 3 साल का रिलेवेंट फील्ड में, 2 साल का अनुभव। इसमें नॉलेज आप कंप्यूटर एप्लीकेशन, BCA, BSc, कंप्यूटर साइंस ये होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देख लें बैचलर डिग्री इन साइंस ऑफ 3 ईयर्स ड्यूरेशन इन रिलेवेंट फील्ड विथ 2 ईयर एक्सपीरियंसेस। डिजायरेबल में यदि आपके पास BE, BTEC, MTEC कंप्यूटर साइंस में है तो अच्छी बात है। अपर एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर्स रखी गई है। और जनरल इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे फॉर्म सबमिट करने का ऑनलाइन नवंबर 26, 2023 5:30 PM शाम तक। फीस की बात करें तो OBC, NCL और EWS के लिए 300 रुपये, अदर्स के लिए 500, PWD, SC, ST एक सर्विसमैन और जो रेगुलर एम्प्लॉई IIT इंदौर के हैं और जो फीमेल अप्लीकेंट हैं उनके लिए कोई फीस यहाँ पे नहीं लगनी है। दोस्तों, यदि आपके पास एलिजिबिलिटी बन रही हो और संबंधित पोस्ट के हिसाब से आपके पास अनुभव हो तो आप यहाँ पे ऑनलाइन मोड में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर में। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन में। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।